हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बैठा हूँ फिलहाल इको में और आज का टॉपिक हमारा ये रहने वाला कि एक साल के बाद जो है इको में कितनी ज्यादा नॉइस आती है, जितनी भी जगह से नॉइस आती है वो मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है सामने वाला कुछ रास्ता, आप लोग देख सकते हो, यानी कि थोड़ा बहुत जो टूटा फूटा रास्ता है, तो उस रास्ते के हिसाब से जो देखते हैं कि कितनी जगह से नॉइस बनती है। ये गाड़ी को लिए हुए ऑलमोस्ट हो गए हैं 1.5 साल के आसपास। ये गाड़ी अपने कम्युनिकेटेड सीएनजी, तो दोस्तों एकदम घटिया नॉइज ये तो ये लगी कि जो है इसमें जो ना जाना कैसे आ रहा है, इस वाले पैनल में से कुछ ना कुछ आवाज आ रही है, यानी कि जो है सीट बेल्ट के कुछ जो है सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, इसी वजह से जो है अलग करकट करकट ऐसी कुछ जो है आवाज आ रही है। आप लोगों ने लाइव अभी मेरे मुंह से अभी सुना कि मतलब कैसी आवाज आती है, वो वही वाली आवाज जो है सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, क्योंकि ड्राइवर ही बैठता है सबसे पास इस वाले बी व्हीलर के पास, तो यार वो ही ज्यादा सबसे ज्यादा इरिटेट होता है। ये पूरा मतलब खटर पटर ऐसी कुछ आवाज आती है यहाँ से, मतलब डैशबोर्ड का जो ये है ये वाला डोर, उसमें से कुछ ना कुछ जो है आवाज आती रहती है। बाकी जो है दूसरी अपने इस वाले सीट बेल्ट में से भी थोड़ी बहुत जो अपनी नॉइस बन रही है अभी फिलहाल, बट जो है इस वाले में ज्यादा हो रही है। तो दूसरी एक आवाज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से कहीं ना कहीं आ रही है, ये दूसरी वाली आवाज इस वाले अंदर, यानी कि ये जो काला काला है उसके अंदर से, यानी कि जो है ये शीशे की आ रही होगी फिलहाल आवाज, या तो फिर दूसरा कुछ ना कुछ जो है सिस्टम होगा। अभी गाड़ी बड़खा बड़ रास्ते में जाती है तो ऐसी आवाज यहाँ से कहीं ना कहीं आती है। आप लोग अभी देखो ये अजीब ही नॉइस आ रही है, और जो दूसरा नॉइस ये है कि अपना जो है शीशा आधा इतना खुला हो तो जो है अजीब तरीके की आवाज़ करता है। ये तो मैंने अल्टो का भी वीडियो में दिखाया था, और अर्टिगा के एक वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो है अर्टिगा के भी शीशे थोड़े बहुत जो है खुले रहते हैं तो वो भी जो है नॉइस करते हैं। सुपर कैरी के भी शीशे खुले रहते हैं थोड़े बहुत, तो भी वो नॉइस कर ही जाते हैं। सारे फ्रेंड की गाड़ी है उसमें जो है डैशबोर्ड में से कुछ अजीब अजीब आवाज़ आती है, बट मेरी गाड़ी में तो अभी फिलहाल कोई भी डैशबोर्ड में आवाज़ नहीं आ रहा है, यानी कि जो देसी भाषा में बोले तो डैशबोर्ड बज नहीं रहा है अभी फिलहाल। एक्सट्रीम लेवल तक भी मैंने एक बार तो मैं जंप भी कूद गया था, फिर भी जो है इतनी ज़्यादा कोई नॉइस नहीं आती है डैशबोर्ड में से। तो अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ी फिलहाल नई ही है, 1.5 साल ही हुआ इसको, और 1 साल का 20 से 25 हजार किलोमीटर चली है गाड़ी, तो उसमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो दूसरी एक बात बताऊँ आपको, तो आफ्टर मार्केट सीट यार बहुत अच्छी क्वालिटी के डलवाना है यार, ऐसा आलतू बेफालतू की सीट ना डलवाओ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी जो है सीट की बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है पीछे से, मतलब ये तो कंपनी की तरफ से नहीं है, ये तो हमने आफ्टर मार्केट डलवाया था तो वो हमारा प्रॉब्लम है, बट बहुत सारी इको मतलब 99% इको में अपनी ये सीटें लगी है, तो यार थोड़ी बहुत जो अच्छी क्वालिटी की और जो है अच्छे तरीके से फिटमेंट कराओ तो इतनी ज्यादा नॉइस नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं तो एडिटेड हो ही जाओगे इस वाले छोटे छोटे नॉइसेस, एक तो ये, एक ये दरवाजे में और दूसरा इस वाले पिलर में से और डैशबोर्ड में से। अभी फिलहाल कोई नॉइस नहीं आ रही है, 3-4 जंप एक साथ कूद जाए गाड़ी तो ही डैशबोर्ड में से आवाज आती है, बाकी नॉर्मली इतनी ज्यादा आवाज नहीं आती है। जैसे दूसरे मेरे फ्रेंड लोग की गाड़ी है इसमें क्या है कि आवाज आती रहती है डैशबोर्ड में से, इस वाले भाग में से या फिर यहाँ से अंदर से, मेरी बलेनो में भी यहाँ से कुछ ना कुछ आवाज आ रही है, मतलब डैशबोर्ड में एकदम कॉर्नर पे, तो यार इस गाड़ी में तो इतना ज्यादा कोई नॉइस नहीं है डैशबोर्ड में से। यहाँ पे एक चीज आपके साथ जो है शेयर करना चाहूँ, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया घटिया नॉइस यहाँ से आती है जब ये दरवाजा आपका जो है आधा खुला रह गया हो, यानी कि जो है बहुत हल्के से बंद किया हो, तब भी जो है अगर गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते में जाती है तो मतलब इतना ज़्यादा नॉइस करता है ये अपना दरवाज़ा, दोनों साइड के आगे के भी, मतलब इस तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ मैं, मतलब इतना ही दरवाज़ा बंद किया आधा खुला हो तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा खटरपटर करेगा ऐसे। देखो आप इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से ऐसे बंद करना है, इस वाली जगह में गैप नहीं रहनी चाहिए, इस तरीके से आपको दरवाजे को ऑफ करना है, और चाहे पीछे का हो या साइड में वाला हो या फिर आगे का हो, कोई भी दरवाजा हो आपको जो है बहुत प्यार से मतलब अच्छे तरीके से बंद करना है, तो आपकी गाड़ी में इतनी ज़्यादा नॉइस नहीं आएगी। 2-3 ही जगह से नॉइस आ रही है गाड़ी में, तो यार इतना तो चल जाता है, क्योंकि जो है 6 लाख में और बहुत ज़्यादा आसान नहीं कर सकते 6 लाख में। तो यार यही था कुछ आज के इस छोटे से वीडियो में, और जो है आपको फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि ये साइड वाला दरवाजा है वो जो है अच्छी तरीके से बंद करो तो इतनी ज्यादा नॉइज नहीं बनेगी। ये कुछ जो पॉइंट 2-3 ही पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर करना उचित समझे, तो कंपनी को थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना चाहिए साइड से, ये दरवाजा वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इश्यू कर रहा है, क्योंकि जो है जब भी मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो यार दरवाजे में से ही साला नॉइज आता है, तो यार दिमाग थोड़ा हिल जाता है। तो यही था आज के इस छोटे से वीडियो में, तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।